तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने कैरी ऑन जट्टा जोंसी है वो देखी हुई है या नहीं देखी हुई। तो कैरी ऑन जट्टा जोंसी है ये बड़ी मजे की मूवी थी और ये ऑलमोस्ट आज से कुछ 10 साल पहले रिलीज की गई थी। उस वक्त इसका पार्ट टू बनाया गया कैरी ऑन जट्टा पार्ट टू के नाम से। तो अब आप आज आपका भाई ये बातें क्यों कर रहा है, क्योंकि कैरी ऑन जट्टा पार्ट थ्री आ रहा है, ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है। गिप्पी ग्रेवाल जो से हैं और इसके बाद इसमें है बिन्नू ढिल्लन और इसके बाद इसमें है सोनम बाजवा और गुरप्रीत गोगी इसके अंदर है। तो चलें आएं इसको शुरू करते हैं, इस ट्रेलर को। बड़ा छोटा सा ट्रेलर है, 3 मिनट का, पर मेरी जो सी एक्सपेक्टेशन है इससे वो बहुत ज़्यादा है। मतलब कि इस इधर तक है, ये लेवल है मेरा, क्योंकि इसका मैंने पार्ट वन भी देखा और पार्ट टू भी देखा। और पार्ट वन तो यार यकीन करो कि उसका कुछ सानी ही नहीं है पार्ट वन का। तो आए देखते हैं इसके पार्ट थ्री को। और इससे पहले, मतलब कि इस रिएक्शन के ऊपर जाने से पहले, अगर आपने अभी तक अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी मज़े मज़े की वीडियोस बनाता रहा करूं और आपकी खिदमत में लाता रहा करूं। तो चलें जी, लेट्स जंप टू द वीडियो और लेट्स स्टार्ट। यार दोस्तां नाल मिल के ट्राई मारी, चौहां दरें सेट होगी सोनियां नाल। ओए मेरे कल्ले नाल चौहां दरें सेट होगी। जे ओने सेट होण नु 4 दिन लाए, एदा मतलब कुड़ी खानदानी है। ओए तेरा प्यो शहर दा ऑलमोस्ट नंबर 1 वकील आ, हारे होए क्लाइंट भी मेरी इन्नी इज्जत करदे आ। ओ जानदा मैं थोड़ी इज्जत नु, आ कईयां नु बेल ता तुसी ओदो दवाई आ जदों उहनां दी सजा भी मुक गई। साली गंदी औलाद ना, नंबर दा नखवार तेरे घर दी, मेनू शरेआम गाला कढ़दे ने। हां बोगनिया गाला कढ़दे आ, बस डैडी है जो सुन लैंदे आ। जे चज दा बंदा हुंदा उहने दा सुननी भी नहीं सी। पी पी के साडा मुफ्त दा पानी, 10-10 वारी पेशाब करन जाना, वॉशरूम दी टाइलां पीलियां करतीयां यार तू। मैं हुण बंदा उथे गंडा सा दे के खड़ा कीता, जाई पेशाब करन सिर वड्डांगे तेरा। जस अपना विआह इन्ना सौखा नहीं होना, मेरे मामे नाल गल कर ला। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਿਸੀ ਨਾ ਨਾ ਕਰਾਈ। ਕੋਰਟ ਕਿਹੜੀ ਏਸੀਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਓਏ ਏਸੀਜੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿਸੀਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਸੀ ਮਾ ਲੱਤਾਂ ਪਾਂਦਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ। ਡੈਡੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਂਗਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਟਾਂਕੇ ਹੀ ਭੇੜੀ, ਕਦੇ ਸਿੱਧੀ ਸਲਾਈ ਨਾ ਮਾਰੀ। ਕੁੜੀ ਵੀ ਬੰਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਸਿੱਟਣੀ ਆ। ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੇ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਵੱਡੇ ਹਸਬੰਡ। ਵੱਡੇ ਹਸਬੰਡ, ਵੱਡੇ ਹਸਬੰਡ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਆਹ ਹੀ ਵਰੀਏ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਕੌਣ ਛੱਡਦਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਕੇ ਹਟਦੇ ਆ। ਤੋ ਫਿਰ ਹਮ ਵੀ ਆ ਕੇ ਹੈ ਬੱਬੂਆ, ਹਮ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ? ਇਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਜਾ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਊਬ ਲੈ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਨਣ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਹਵਾ ਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਮਾਮਾ ਹਵਾ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਆਲੀ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਆ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫੋਟੋ, ਕੱਲੇ ਦੀ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਕੁਆਰੇ ਨੇ, ਡੈਡੀ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੈ। ਓਏ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਕੁਆਰਾ ਹੈ, ਡੈਡੀ ਵੀ ਕੁਆਰਾ ਹੈ। ਹਮਕੋ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ। ਇੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੰਡਨ ਸੈੱਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਫਸੈੱਟ ਕਰਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜੰਮ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਹੀ ਕਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜੰਮ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਪੋਲਿਆ ਮੇਰਾ ਪਾਂਜਾ, ਕਿੰਨਾ ਪੋਲਿਆ ਮੇਰਾ ਪਾਂਜਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ ਨਾ। ਚੱਲ ਝੂਠੀ, 2 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੂੰ ਡੈਡੀ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਟੂਣਾ ਟੱਪ ਗਈ ਸੀ। ਟੂਣਾ ਟੱਪ कैरी ऑन जट्टा। तो ये मेरे ख्याल से आ रही है 29 जून को, मतलब कि 29 जून ही लगा मुझे शायद। तो 29 जून को आ रही है कैरी ऑन जट्टा 3। तो आपने अगर कैरी ऑन जट्टा 1 और 2 देखी हुई है तो मुझे कमेंट्स में बताएं, और आप मुझे ये भी बताएं कि आपको ये कैसी लगी। तो गिप्पी ग्रेवाल के साथ जो से है गोल्डी जो से हैं वो भी हैं, उसके बाद कि वो इनके जो से वालिद का रोल करते हैं, जो कहते हैं कि किलो ने काला कोट आए नहीं पाया, तो वो भी हैं। उनकी एक्टिंग भी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, तो इसको देखने का मज़ा आएगा। इसके अलावा पाकिस्तान से भी एक एक्टर डाले गए हैं जो कि नासिर जनियोटी हैं। तो
तो उनका मुझे इस फिल्म के अंदर डालने का जो है ना वो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट नज़र आया कि जो जुगतों के अंदर जो है ना हाथ बड़ा किया हुआ था, मतलब कि हर चीज़ के ऊपर जुगते मारे, तो ये जैसे पाकिस्तान के स्टेट ड्रामा के जैसे लोग होते हैं ना वो ऐसे ही काम करते हैं। तो मैंने उनको ये जिस भी फिल्म में जाएंगे ना तो वहाँ पे आप देखना कि उस फिल्म के अंदर जो सा जुगतों का बड़ा हाथ है ना वो वजनी हो जाएगा, मतलब जुगते बहुत मारेंगे, तो वो इसके अंदर मुझे नज़र आ रही थी। तो लेट्स सी, देखते हैं इस फिल्म को कितना प्यार मिलता है, कितना पसंद किया जाता है। तो कैरियन जुट्टा को तो बहुत पसंद किया गया था और वो फिल्म जो मुझे लगता है ना वो बनाई नहीं गई थी, वो बन गई थी। हालांकि उसका पार्ट टू भी आया था पर वो इतना हिट नहीं हुआ जितना पार्ट वन हिट हुआ था। देखते हैं पार्ट थ्री के साथ क्या होता है। तो चलो जी, डैट्स फॉर इट फॉर टुडे रिएक्शन वीडियो। आपको ये रिएक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो दोबारा मुलाकात होगी ऐसी किसी मजे की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड हुदा हाफिज़।